शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां GFMS का सर्वर डाउन होने से सभी अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। 24 जुलाई को शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है, सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक के लिए 1 अगस्त से 7 अगस्त तक आवेदन देने का नोटिफिकेशन था, लेकिन 3 अगस्त को नया मैसेज सामने आया जिसमें लिखा है कि पोर्टल मेंटेनेंस के चलते 2 अगस्त से 5 अगस्त तक पोर्टल बंद रहेगा, असुविधा के लिए खेद है। जबकि 1 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक पोर्टल बंद रहेगा। तारीख बदलते ही मैसेज भी बदल गया। अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर तारीखों का ऐलान किया कि ऑनलाइन ही वो पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं अतिथि शिक्षक बनने के लिए, लेकिन पोर्टल काम नहीं कर रहा है। अब शिक्षा विभाग की कारगुजारी ये है कि तारीख बदलती है और पोर्टल पर लिख देते हैं कि आज से इस तारीख तक ये वेबसाइट पर वर्क चल रहा है और असुविधा के लिए खेद है। दिन बदलता है और इनकी तारीख बदल जाती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, या आप देखेंगे तो ये लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी किया, मध्य प्रदेश में साल 2024-25 के रिक्त अतिथि शिक्षकों की भर्ती को लेकर, तारीख थी 24/7/2024। मध्य प्रदेश में क्लास पहली से 12वीं तक के स्कूलों में लगभग 65,000 के आसपास अतिथि शिक्षकों की भर्ती होनी है। अब कैसे होनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आप जाएंगे तो जो पोर्टल है ये आदेश में साफ लिखा हुआ है, नीचे आएंगे GFMS और यहाँ पर आप गूगल करेंगे अप्लाई करने के लिए GFMS और ये पोर्टल है अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली, इस पर आप लॉगिन करेंगे तो ये लिखा हुआ है पोर्टल मेंटेनेंस हेतु दिनांक 2 अगस्त 2024 से दिनांक 5 अगस्त 2024 तक बंद रहेगा। अब जो अतिथि शिक्षक बनना चाह रहे हैं वो कैसे अप्लाई करें, पोर्टल पर मेंटेनेंस चल रहा है, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। अब यहाँ तो पोर्टल काम नहीं करने के चलते असुविधा के लिए खेद जता रहे हैं, लेकिन आदेश में ये लिखा हुआ है, या आप नीचे की तरफ जाएंगे तो ये देखेंगे आप, अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज करना शाला प्रभारी के प्राप्त सत्यापित ज्वाइनिंग पत्रक की छाया प्रति पोर्टल पर अपलोड करना 1/8/2024 यानी 1 अगस्त से 7 अगस्त 2024 तक है। बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती होनी है। अब मैं आपको विभाग की एक कारगुजारी बताता हूँ। ये तो आज पोर्टल पे ये 2 तारीख से बता रहे हैं मेंटेनेंस चल रहा है और ये वेबसाइट काम नहीं कर रही है। अब एक और आपको बताता हूँ, ये आप देखेंगे तो ये आपको देखेंगे तो ये तारीख दिख रही है आपको, इसमें लिखा हुआ 1 अगस्त। 1 अगस्त के दिन जो शिक्षा विभाग है वो अपने अतिथि शिक्षक पोर्टल पर क्या लिख रहा था, 1 अगस्त 2024 समय दोपहर 12:30 बजे।